Hi lovely students, you are welcome to the session. Today we are going to talk about elements, compounds and mixtures. तो आज इस क्लास में हम सीखेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं. तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके देखेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. अ क्विक रिकॉल, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था. तो देखेंगे मैटर, मैटर क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं मैटर क्या होता है. तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ये कह रहे कि मैटर वो चीज होती है जो जगह घेरती है और उसमें मास होता है. मास मीन्स द्रव्यमान, जिसकी वजन होती है, जिसमें वजन होता है. ठीक है, तो मैटर उसे कहते हैं जिसमें वो जगह घेरती हो, जगह एक ऑक्यूपाई करती हो और उसमें मास होता है. दैट्स क्लियर. जैसे कि हवा भी, जो एयर है, एयर भी एक मैटर ही है, वो भी जगह घेरता है, ऑक्यूपाई करता है और उसमें भी मास होती है. ओके कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट आप चारों तरफ जो भी चीज़ देख रहे हो, सारी चीज़ें मैटर ही है. मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज. और फिर मैटर को दो भागों में, आगे चल के भी उसको दो भागों में बांटा गया है, जो है प्योर सब्सटेंस, सॉरी प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ओके प्योर सब्सटेंस को भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. यहाँ पे चार्ट फ्लोस है, देख लेते थोड़ा सा. यहाँ मैटर है, मैटर को दो भागों में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. फिर प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, देखते हैं आगे. यहां देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होती है. सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस ए सब्सटेंस दैट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ प्योर सब्सटेंस. आई मीन वो प्योर सब्सटेंस जिसकी सृजन हुई हो एकदम फिक्स पोजिशन से. ठीक है ना, कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन दैट मीन्स कि कोई चीज़ हो एक ही प्रकार की पदार्थ से, मेटर से, एटम से बनी हो, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. और जिसकी फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती हो, दैट मीन्स जो उसकी रासायनिक गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स होती है, दैट मीन्स उसकी जो गुण होती है ना, रासायनिक जो गुण होता है उसकी फिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. ओके देखिए एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. इसमें फर्क इतना है कि एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है. ठीक है, कंपाउंड ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इस तरह से ये दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है. गॉट इट. यहाँ देखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व. हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व और कंपाउंड मीन्स यौगिक. तो यौगिक जो होता है एलिमेंट से ही मिलकर बनी होती है, तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंसेस है. नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस. अब प्योर सब्सटेंस को बोला गया होमोजीनियस. होमोजीनियस ओके, होमोजीनियस इन नेचर एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इनकी प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो एक ही पदार्थ के, वो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस. ठीक है, एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट मीन्स एक ही तरह के पदार्थ से, एटम से भी मिलकर बना हो, उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. दे हैव डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है, क्वालिटी होती है, जो विशेषता होती है वो निश्चित होती है. द कंस्टेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड. अगर केमिकल जो कोई चीज़ है कंपाउंड, उसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते. फिर उसको चाहे हम अलग कर सकें फिजिकल मेथड से तो नहीं कर सकते, उसको केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो ए प्योर सब्सटेंस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. देखेंगे प्योर जो सब्सटेंस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है,
उसकी गुण क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है। तो ए प्योर सब्सटेंस हैज फॉलोइंग, देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं, ए प्योर सब्सटेंस हैज डिफिनेट कंपोजिशन। अभी हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस उसकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन मतलब होता है सृजन, जिससे वो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कंपोजिशंस। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंसिस्ट ऑफ वन एटम, एक एटम से मिलकर बना है। वहीं पे कार्बन के जो एटम है टू एटम से, कार्बन जो है टू एटम से मिलकर बना है, कार्बन एंड टू है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो वन एटम ऑफ कार्बन से बनकर मिलकर बना है, और जो जो ऑक्सीजन है वो टू एटम से मिलकर बना है। वी कैन नॉट हैव अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम अदर देन दिस। अगर हम चाहें कि कार्बन की जो है दो एटम हो जाओ, और कार्बन का ऑक्सीजन का थ्री, तो नहीं हो सकता है। इसकी जो रेशियो होती है फिक्स होती है, ठीक है। ए पीओ सब्सटेंस हैज डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक जो प्योर सब्सटेंस होती है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेट होता है, एक निश्चित होता है। दैट मीन्स कोई चीज़ है केमिकल्स प्योर सब्सटेंस, जब हम उसको बॉइलिंग करेंगे तो उसको 100 या 200 या 300 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ये क्या होता है, उसकी फिक्स होती है। अगर 300 सेल्सियस पे जाएगा तभी ही मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और मेल्टिंग के लिए भी है वैसे ही। देखें, इट हैज करेक्टरिस्टिक टेस्ट, उसके टेस्ट भी होते हैं, जैसे वो कलर में कैसा होता है, स्मेल कैसा देता है। अब देखेंगे हम एलिमेंट क्या होता है। ओके, दिस इज एलिमेंट, यू कैन सी एलिमेंट। तो एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एन एलिमेंट ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट को और हम तोड़ के छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एन एटम इज डिफाइन एज, एक एटम को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एलिमेंट, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट मतलब एक छोटा, जिसे कि अब और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। ईच एलिमेंट इज ए मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम, प्रत्येक एलिमेंट जो होते हैं, हर एक एलिमेंट्स एक प्रकार की एटम से मिलकर बना होता है। एट प्रेजेंट, और इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में अभी अभी 118 एलिमेंट हैं और नोन एज नेचर। एलिमेंट एक्वायर नेचुरली आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो एलिमेंट्स होता है वो नेचुरली भी बनाए जा सकते हैं, प्राकृतिक भी हमें मिलता है और आर्टिफिशियल है। मैं बता दूं कि 26 नेचुरली है और जो 98 जो है नेचुरली है और 20 जो है आर्टिफिशियल है। अभी भी दे एक्वायर एज सॉलिड, वो हमें कैसे मिलते हैं, सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलता है, एज वेल एज गैस में भी मुझे हमें लोग मिलता है। ऑल एलिमेंट आर डोनेटेड बाय देयर डिनोटेड यूनिक सिंबल, और सारे एलिमेंट्स को हम जो सिंबल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हम H2 लिखते हैं, H2, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो ये सारी चीज़ सारे एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एक डिफरेंट टाइप का क्या है, सिंबल्स होता है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड, एलिमेंट्स को भी आगे चल के बांटा गया है इनटू मेटल्स, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में बांटा गया है, मेटोलाइट्स एंड नोबल गैसेस, बेस ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको भी बांटा गया है, किस मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। यानी कि दैट मीन्स 100 जो 18 एलिमेंट्स हैं वो सबको जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स एंड नोबल गैसेस में बांटा गया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेटल क्या होता है। मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स जो चमकीला होता है, कंडक्ट हीट, जो हीट को कंडक्ट कर सकता है, भोग कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है।
जो मैलिबल होता है, मैलिबल मतलब कोई चीज़ होता है उसको पीट के कोई चद्दर सा बनाया जा सकता है, एक प्लेट बनाया जा सकता है, कोई मेटल है उसकी, और बनाते समय उसमें कोई दरार है या कोई टूटे ना, कोई ब्रेकिंग ना आए, तो हम उसको मलेबल बोलते हैं। डक्टाइल क्या होता है कि जिसे हम खींच के एक वायर जैसे बना सकते हैं, जैसे वायर आपने घरों में देखा होगे कॉपर्स वायर, जिसे हम खींच के हम लंबा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। एंड सोनरस, सोनरस मिस होता है कि आवाज़, जैसे कि जिसमें से आवाज़ आती है टकराने के बाद, जब हम मेटल्स को टकराते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, गॉट इट, तो हम उसको सोनरस बोलते हैं। तो मेटल की ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो लस्ट्रस कंडक्ट, देखिए मेटल क्या होता है कि लस्ट्रस होता है, दैट मीन्स चमकीला होता है, कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करता है, जिसमें अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हीट कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें दे रहे हैं तो उसको भी कंडक्ट कर लेता है, अगर उसको छूए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो मेलेबल मीन्स उसको पीट कर हम चादर बना सकते हैं, तो भी मेलेबल उसे कहते हैं। तो इस मेटल की ये सारे प्रॉपर्टीज होती है, डक्टाइल्स एंड सोनरस। गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे देखेंगे गोल्ड को हम चाहे तो प्लेट बना सकते, कोई भी आकार देख सकते हैं, सिल्वर भी है, आयरन भी है, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ को हम डक्टाइल खींच कर लंबा कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आसाम फेमिलर, ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। अब देखिए नॉन मेटल क्या है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आर नॉट, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, डू नॉट कंडक्ट हीट, और हीट कंडक्ट नहीं करता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ना सोनरस होता है, और ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल बोले तो जो कोई चीज़ होता है अगर हम उसे खींचते हैं तो उसमें दरारें आ जाती है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल्स। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर द नॉन मेटल्स, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो हम आगे देखते हैं, अब देखिए मेटलाइट्स क्या होता है। अब इन मेटलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। ओके, मेटलाइट्स देखेंगे, ये पॉसेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटलाइट्स इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है दोनों को मिक्स करके इसमें होता है, मेटलाइट्स बनी होती है। जैसे जर्मेनियम होता है, आधा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आधा नहीं करता है, दैट मीन्स इसमें सेमी सेमी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, सेमी हीट कंडक्टर होगा, और सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन, एंटोमनी, टेलरियम, बिस्मिथ एंड मेट, ये सारे चीज़ें मेटलाइट हो गई। जैसे सिलिकॉन है जिसका हम मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी ट्रांजिस्टर वगैरह बनता है, तो ये सिलिकॉन है, आधे जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नोबल गैसेस देखें, तो नोबल गैस को हम हिंदी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस, इनका नाम नोबल गैसेस क्यों पड़ गया, इनर्ट गैसेस से क्यों कहते हैं, तो देखते हैं। नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस आर द इनर्ट गैस गैसेस प्रेजेंट इन द गैस इन गैसियस स्टेट, ये गैस गैस के रूप में उपस्थित रहते हैं, एंड रिलक्टेंट रिएक्ट केमिकली, और ये अपने आप से खुद केमिकल रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते खुद। जैसे हम देखेंगे कितने नोबल गैसेस, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ज़ेनॉन है, क्रिप्टॉन, रेडॉन आर नोबल गैसेस। ये क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड सर एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किसी से जाएं और अपना एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करें। सो ये जो है ये सब नोबल गैसेस इसीलिए कहलाते हैं। अब देखें कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड, कंपाउंड की हिंदी होता है यौगिक। कंपाउंड आपको पता है ये एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया करके क्या होता है, केमिकली बाइंड रहता है। इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज बाई मास, मतलब इनकी जो वजन होती है ये एक रेशियो में एक निश्चित होती है। कंपाउंड जो बनता है एक केमिकली बाइंड होता है, और इनकी जो मास होती है
ये डिफिनिट होती है, निश्चित होती है, ये नहीं है कि कोई ज्यादा हो जाएगा कोई कम हो जाएगा। द इन्फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्वर व्हेन द एटम और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब ये एलिमेंट्स ही कंबाइंड होकर बनते हैं। ए कंपाउंड इज कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, जैसे कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं लेकिन एलिमेंट को वहीं पे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एलिमेंट एक खुद एक सिंगल है, उसे हम और तोड़ नहीं सकते, छोटा है। कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं डाउन इनटू द इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द केमिकल प्रोसेस, और भी केमिकल रिएक्शन कराकर ही हम तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड ही दो एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। यहाँ पे एक सेंटेंस है बहुत अच्छा लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट्स है, जब दो एलिमेंट्स मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो उन दोनों की जो जो पहले थे अब वो नहीं होते, दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे वाटर कंपाउंड्स है, वाटर भी एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, और वाटर किसे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O, दैट मीन्स वाटर। H2O वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यहाँ लिख देते हैं सही से, सही से चल नहीं रहा, ओके। H2O जो होता है वाटर के जो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है H2O है, यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, जब दोनों मिलते हैं तो वाटर लिक्विड बन जाता है, तो गैस से क्या हुआ, ये कन्वर्ट होकर लिक्विड हो गया, तो इसलिए ये कह रहा है कि ये पूरी तरह से पहले से क्या होता है, चेंज होता है, मतलब आफ्टर रिएक्शन इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ पे देखेंगे मिक्सर, मिक्सर का हिंदी होता है मिश्रण, मिक्सर मीन्स होता है मिश्रण, विच इज टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस गॉट टूगेदर। ए मैन अ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंस, मतलब मिक्सर जो होता है ये दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, सच है, जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड आर द बोथ दैट आर प्योर सब्सटेंस, दे आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। देखिए कहने का मतलब है, जो मिक्सर होता है, मिक्सर में अगर दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है तो दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगा वो इंडिविजुअल होगा, दैट मीन्स चेंज नहीं होता, रिटेन ही रह जाएगा, ठीक है। पहले जैसे थे, मिक्सर में क्या होता है कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो पहले की जो प्रॉपर्टीज होता है अभी भी होता है, लेकिन जब वो केमिकली रिफॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले जो होते हैं वो पहले से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। देखेंगे कि मिक्सर इज एयर इज ए मिक्सर, देखिए यहाँ पे एयर क्या है, एक मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वहाँ जो हवा है, जो एयर है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड अदर गैसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक मिक्सर है, एक कंपाउंड, एक कम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि देख सकते हैं मिक्सर, एक चीनी और वाटर की जो सोल्यूशन होता है वो भी एक मिक्सर ही है, लेकिन दोनों की जो टेस्ट है क्या बदल रही है, पहले जो है चीनी अगर पानी में घोल देते हैं तो चीनी पहले ही मीठा था और अभी भी मीठा है। अगर हम दोनों को फिजिकली मेथड से हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक हैं आप मिक्सर के। देखिए सबसे पहले लिखा है कि ए मिक्सर हैज नो डिफिनेट कंपोजिशन, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है जो मिक्सर होते हैं उसकी कोई डिफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, दैट मीन्स उसमें चीनी और जो वाटर की जो मात्रा है, अमाउंट है, चीनी की कभी ज़्यादा हो सकता है, वाटर का कभी ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से उनकी जो है मिक्सर डिफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, गॉट इट। फिर देखेंगे यहाँ पे, द कंस्टिट्यूशन ऑफ मिक्सर आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, वही बताया है, जैसे उनकी रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होती है, कभी
कोई भी रेशियो में हम उसको सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोई भी रेशियो में हम मिक्सचर बना सकते हैं, या तो उसकी कोई रेशियो फिक्स नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनकी रेशियो फिक्स होती है, 2:1। ठीक है, गॉट इट? ओके, द कंस्टिट्यूशन ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। यानी कि जो मिक्सर है उसको हम फिजिकली मेथड्स, यानी कि उसको फिजिकल भौतिक प्रक्रिया से हम चाहें तो उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे प्योर सब्सटेंसेस का नहीं कर सकते, दिस इज कंपाउंड्स का नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम उसको आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। द कंस्ट्रेंट ऑफ मिक्सर आर नॉट, एंड हैंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द कंस्ट्रेंट आर वीक। इसीलिए जैसे कि हम लोग चीनी, जैसे शुगर हो गया और वाटर हो गया, दोनों को सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हम उसे चाहें तो फिर अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो उन दोनों के जो होल्डिंग अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उनके बीच में बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से हम अलग भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिर देखेंगे दूसरा, यहाँ देखेंगे द प्रॉपर्टीज, द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूशंस ऑफ मिक्सर आर रिटेन। देखिए, इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि जैसे पहले चीनी था, अगर घोलने के बाद भी चीनी रह जाती है, एक्चुअली अगर हम उसे सेपरेट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, अगर चीनी मीठी अगर लग रही थी या साल्टी है, साल्ट जब साल्टी लग रहा था तो पानी में घोलने के बाद भी वो साल्टी लगता है। ठीक है, गॉट इट? तो हमेशा रिटेन मीन्स होता है पहले ही जैसा रह जाना। ठीक है, रिटेन्ड। ओके, ए मिक्सर हैज नो फिक्स मेल्टिंग एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, कंपाउंड की जैसे यहाँ पे जो है कंपाउंड की तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, पर इसमें जो मिक्सर होता है इसकी कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके गर्म होगी, बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा या कब जाकर मेल्ट हो जाएगा, ये उसकी कोई फिक्स, सॉरी, ये मिक्सर के जो होता है, मिक्सर हैज नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिक्सर का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एप देखते हैं, ये ए मिक्सर हैज नो फिक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मिक्सर होता है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती है, जो भौतिक और रासायनिक जो इनकी गुण होती है, धर्म होता है, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। देयर इज नो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर। जब भी हम मिक्सर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ना उसमें कोई एनर्जी निकलती है उससे, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। गॉट इट? देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि मिक्सर को भी भागों में बांटा गया, देखेंगे सबसे पहले द मिक्सर कैन बी क्लासिफाइड इन टू होमोजीनियस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यानी कि मिक्सर को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किसे कहते हैं, जैसे ए मिक्सर इन विच कंस्टेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सर उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, जैसे कि शुगर और वाटर, ये दोनों यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, अपनी क्रिस्टल जो फॉर्म होता है, जो शुगर होता है वो क्रिस्टल में पहले रहता है और पानी में घुल कर क्रिस्टली जो होते हैं लॉस हो जाता है, उसकी खो देता है, तो इस तरह वो जो मिक्सर है उसको होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे। ठीक है, गॉट इट? ए मिक्सर इन विच द कंस्टेंट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। आई मीन्स यहाँ देखेंगे ए सॉल्ट एंड सॉल्यूशन, ए ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अलॉय आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सर, जो पूरी तरह से घुल जाता है। द कंस्टेंट ऑफ मिक्सर आर नॉट क्लियरली विजिबल, कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअली। दैट मीन्स अगर चीनी को या सॉरी शुगर को अगर पानी में घोल देते तो क्या आप पार्टिकुलर चीनी को पकड़ सकते या पहचान सकते कि हाँ ये चीनी है? नो, नेवर। तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है कि वो जो सॉल्यूट होता है पूरी तरह से सॉल्यूशन में, आई मीन्स घुल जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। ओके, गॉट इट? अब हेट्रोजीनियस सेम है, उसकी अपोजिट होगा,
हेट्रोजीनस में क्या होता है कि मिक्सर इन विच ए कंस्टिट्यूएंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सर। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से नहीं मिलते हैं सॉल्यूशन में, जो दो सब्सटेंस होता है अगर उसको मिक्स किया जाता है तो वो पूरी तरह से घुल नहीं पाता, या तो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे कि मिक्सर ऑफ आयरन, जो आयरन है, आयरन की फीलिंग जो है थोड़ी थोड़ी कील जो होती है, क्या सल्फर पाउडर में मिक्स हो पाएगा? नहीं। मिक्सर ऑफ ऑयल और वाटर, यानी कि तेल और पानी को जब हम मिक्स करते हैं, क्या मिक्स होता है पूरी तरह से? क्या पूरी तरह से? बिल्कुल ही नहीं होता है, तो हम उसको हेट्रोजीनस मिक्सर कहते हैं। एंड वाटर एंड मिक्सर ऑफ चाक, चाक चाक या मिक्सर ऑफ चाक पाउडर इन वाटर, अगर पानी में जो हम चौक चौक से जो लिखते हैं बोर्ड्स पे, तो क्या उस पाउडर को और हम पानी में मिक्स करें तो मिक्स हो जाएगा? नहीं। कुछ समय के बाद देखेंगे तो पानी के नीचे जाकर सेटल हो जाता है। क्या बालू जो होता है, जो सैंड होता है, वाटर में क्या मिक्स हो पाता है? नहीं। बालू में क्या अगर हम आयरन की अगर कील डालते हैं तो क्या मिक्स हो पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब क्या हाइड्रोजीनस मिक्सचर। द कंस्टेंट ऑफ दिस मिक्सचर आर क्लियरली विजिबल एंड कैन बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि हम उसको साफ साफ देख सकते हैं। जैसे अगर हम पानी में चौक को घोल देते हैं तो साफ साफ चाक दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना? तो पानी में अगर तेल भी डालते हैं तो हमें तेल दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, याद रखिएगा। हेट्रोजीनस, अब देखिए हेट्रोजीनस मिक्सर को भी भागों में बांटा गया है। जैसे हेट्रोजीनस मिक्सर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन एंड इमल्सन। देखिए सस्पेंशन और इमल्सन क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी गुड टॉपिक। चलिए इसे लर्न करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं कर देता हूँ कि हेट्रोजीनस मिक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चैप्टर हमारा लास्ट है। और हेट्रोजीनस मिक्सर आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन और इमल्सन क्या होता है, ठीक है? देखें सस्पेंशन तो ए टाइप ऑफ मिक्सर इन विच ए कंपोनेंट इज नॉट डिजॉल्व। मतलब एक किसी प्रकार की जो मिक्सर है, कोई सब्सटेंस है, पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, कंप्लीटली इनटू इनटू अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि द अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स रिमेन ऑन यूक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर सेटल डाउन व्हेन द मिक्सर एट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। चॉक इन वाटर, डस्ट इन एयर आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। देखिए कभी कभी देखिए कि जो पानी होता है, पानी में मट्टी घुल जाने के बाद अगर हम रात में या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, क्या कीजिएगा कि अब पानी में कुछ मट्टी घोल दीजिएगा, ठीक है? मट्टी घोलने के बाद कुछ समय छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे मट्टी क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, जाकर जमीन में बैठ जाता है। तो उसी तरह से चौक का पाउडर जो होता है, अगर पानी में घोल देते हैं अगर बिना डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्ब को अगर हम उसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद धीरे धीरे जाकर क्या होता है, चौक उसके तल में जाकर सरफेस पे बैठ जाता है इन वाटर एंड डस्ट। जैसे कि डस्ट हवा में धूल उड़ती है, जब हम उड़ जाते हैं अगर बाइक चलाते हैं तो धूल उड़ जाती है, फिर कुछ समय के बाद धूल क्या होती है, रात में एकदम नीचे बैठ जाती है जमीन पे। तो ये सारी चीजें जो हैपनिंग हो रही है, इट्स ऑल द फेनोमेनन इज कॉल्ड द सस्पेंशंस। इमल्सन इज अ सेम टाइम इस ए टाइप ऑफ मिक्स। इमल्सन भी देख लेते हैं, इमल्सन क्या होता है कि ए टाइप ऑफ मिक्सर इन विच प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ वन लिक्विड आर नॉट डिजॉल्व बट dispersed in another liquid is called emulsion. A type of mixer consisting of two more immiscible liquid is also emulsion. And emulsion is formed only mixing on oil and water. जिसे आप देखिएगा कि कह रहे कि डिस्पर्स मीन्स होता है फैल जाना। जब हम ऑयल को पानी के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाता है पानी के ऊपर और मिक्स नहीं होता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इमल्शंस। गॉट इट? हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट मिक्सर कैन बी फॉर्म्ड ऑन कंबाइनिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको क्या करना है कि सारी चीजें लर्न करनी है, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। ओके, जितना आज आपने लेक्चर में सुना तो इसको सारी चीज़ें प्रिपेयर होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में पूछा जाएगा, ठीक है?
धन्यवाद, थैंक यू।